Good morning, rockstars. It's 26th of March today, and right now it's around 8:50 in the morning. So I welcome you all to the 8th day and the 8th episode of my Arunachal ride. अभी अभी बस 2 मिनट पहले मैंने कल का एपिसोड एंड किया. So I woke up at around 7:30. I just showed you all the condition of my room. This is my room number 109 and room का हालत फिलहाल कुछ ऐसा है. आज हम तवांग को थोड़ा बहुत explore करने वाले. So let me get ready first क्योंकि जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला होगा. Alright rockstars, so I'm all set to leave. Riding jacket पहन लिया है, अंदर में winter liner है और एक हल्का सा उसके अंदर एक हल्का सा पतला सा एक jacket है and then riding pants है, riding pant के अंदर winter liner है और एक track pant है. Almost everything is done. I won't be taking my tail bag. Obviously लेने का कोई फायदा है नहीं. So that's all for now. Now let's catch you all up in my motor vlogging setup. 690. Oh, alright. बैक एट रॉकी, आई मीन बैक ऑन रॉकी. सबसे पहले मेरा टारगेट है माधुरी लेक पहुंचना. माधुरी लेक लोकल्स बता रहे कि पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटा लगेगा, लेकिन मैप में बता रहा है कि 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे. वहां पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाला है जैसा कि लोकल से पता चला है. होप सो सब कुछ अच्छा ही जाएगा. हाँ हाँ, माधुरी लेक मिलता है सर, शाम तक आ जाएंगे. ठीक है, बाय सर. टेक द नेक्स्ट राइट. होटल से होटल का कार्ड भी ले लिया, होटल वालों का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया ताकि अगर गलती से भी अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाता है तो बैकअप के लिए होटल वाले भैया लोग हैं. आई कैन ऑलरेडी सी द स्नो देयर. और ये माधुरी लेक जहाँ पे है वहाँ होकर ही हम लोग बुमला पास जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बुमला पास जाने नहीं दे रहे. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला स्नो है, सिर्फ 4 व्हीलर्स अलाउ कर रहे हैं और 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं कर रहे. ऊपर वाला ना रास्ता ठीक है, रास्ता ठीक है ना? ठीक है सर. सेंजेस्टर लेक 34 किलोमीटर्स. सोच लो गाइस, 34 किलोमीटर्स ट्रेवल करने हुए 1.5 घंटा बता रहा है. मतलब रास्ता कैसा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो. सेंजेस्टर लेक से पहले पीटीसो लेक है. पीटीसो लेक है अराउंड 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. दिस इज क्रेजी यार. अगर अभी मेरे साथ कोई होता तो यहाँ पे अच्छे से फोटोज खींच सकता था मैं. तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट था. इस चेक पोस्ट में अपने को रजिस्टर करना होता है कि कहाँ पे अपने को जाना है. अगर बुमला जाना है तो बुमला का परमिट दिखाना होता है, और अगर सेंजेस्टर लेक और पीटीसो लेक वो सब जाना है तो उसके लिए कोई परमिट नहीं बनता. आपको बस आपका नाम एंट्री कराना है, मोबाइल नंबर देना है और सिर्फ एयरटेल का नंबर दीजिएगा. जिस नंबर पे कॉल जा सकता है सिर्फ वही नंबर दीजिएगा, क्योंकि जस्ट इन केस ऊपर में बर्फ रहेगा, सिचुएशन अगर ख़राब होता है तो वो लोग इमरजेंसी के लिए हेल्प भेज सकते हैं. वहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का स्नो जमा हुआ है और ये हम पहुँच गए बर्फ के देश में, अरुणाचल प्रदेश, सेंजेस्टर लेक. आई एम ऑन योर वे. सेकेंड गियर में यूजुअली चढ़ने में दिक्कत नहीं होता, आराम से चढ़ जाता है. थर्ड गियर में भी चढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में है उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू ऑल कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ दैट द ऑल्टीट्यूड ओवर देयर इज़ अराउंड 15,200 फीट. बुमला का है 15,200. अभी सेंजेस्टर लेक का भी ऐसा ही कुछ होगा. एंड द ऑफ रोडिंग सीजन स्टार्ट्स. यहाँ पे साइड में ब्लैक आइस हो सकता है तो संभाल के जाना होगा अपने को. चल पड़े हम ऐसी राह पे बेफिकर हुए के अब जाना कहाँ. एक छोटा सा टिप मैं और देना चाहूँगा, वो ये है कि कभी भी आइस में आप कभी भी ब्रेक्स अप्लाई मत कीजिए. ऑलवेज ट्राई टू गो स्लो, चाहे आप कितने भी अच्छे राइडर क्यों ना हो, लेकिन अपने नेचर से कोई मजाक नहीं. गुरु दोंगवार में तो मैं जैसे तैसे करके भगा लिया क्योंकि तब बाइक का कंडीशन ठीक था और तब अपने अंदर जोश भी था और कुछ महीनों पहले तक मैं अच्छे से वर्कआउट भी कर रहा था. लेकिन इस बार मैं अनफिट भी हूँ, बाइक भी अनफिट है और मेंटली प्रिपरेशन भी नहीं है कि मुझे ये सब करना है. ये पूरा पानी बर्फ़ का है, बर्फ़ पिघल के ये पूरा पानी बह रहा है. ये हस्की जैसा क्यों लग रहा है मेरे को?
देसी हस्की। अपन थोड़ा आराम आराम से जाते हैं। अब लग रहा है कि मैं असल में तवांग में हूँ। अगर मेरा अभी टायर सही सलामत होता, दोनों टायर्स फ्रंट एंड रियर, तब मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलता, लेकिन कोई ना, होता रहता है। ये तो समर टाइम में विंटर मिल गया है मेरे को। ये शायद से पहली बार है मैं इतना ज़्यादा बर्फ में चला रहा हूँ। पीटी सो 12,946 फीट। हाँ, आई गेस वी आर हियर एट पीटी सो लेक। मैं बस दिखा देता हूँ आप लोगों को, अपना बूज भी बहुत ही ज़्यादा स्किड करने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है PTSO, इसको पीटी सो प्रोनाउंस करते हैं, एंड वी आर एट 12,946 फीट। दैट इज पीटी सो लेक। आई गेस वहाँ पे एक मंदिर है, तो आते वक्त वो सब देखेंगे। अभी यहाँ से फिलहाल निकलते हैं। दैट इज पीटी सो लेक एंड वी आर जस्ट इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स विच इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो। चलो बेटा चलते। माधुरी लेक और कितना दूर है सर? माधुरी लेक जाना है आपको? हाँ सर, यहाँ से आपको वाई जंक्शन जाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद सर, जय हिंद सर। दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम मैन, सीरियसली। बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा है। यहाँ पे फिलहाल रख के पूछ लेते हैं कि माधुरी लेक भी जाने देगा कि नहीं, क्योंकि रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। सर लोगों ने बताया कि हो सकता है कि नहीं जाने देगा, सो लेट्स सी। हाँ सर, नहीं नहीं खुद का है सर। हाँ सर, अगरतला। हाँ सर, त्रिपुरा। तो सर लोग बता रहे कि माधुरी लेक जाने मिलेगा। आहा, पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ है यहाँ पे। बाइक बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा है। चलो जी, जय माता दी। ओहो हो 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 हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है रे मेरे को। पैर भी ठीक से नहीं संभाला जा रहा है। ओह शिट, वेलकम टू सबे कैफेटेरिया एंड वी आर एट 14,615 फीट। बाइक बहुत ही ज़्यादा स्लिप खा रहा है। आई डोंट नो कैसे कर रहा हूँ मैं। और इस बार इतना भयंकर वाला स्नो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। पैर पूरा स्लाइड करके जा रहा है बस। चिट 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 चिट, मुझे तो लग रहा है कि रस्सी मेरे को बांधना ही होगा। क्रेजी एक्सपीरियंस, बाइक पूरा स्लाइड करके जा रहा है, फर्स्ट गियर में। ओ चलो बेटा, रॉकी, वी कैन डू इट, वी कैन डू दिस मैन, वी कैन डू दिस, सब तेरे भरोसे है रॉकी। एक्सेलरेटर बिल्कुल भी नहीं देना है, बस जैसे जा रहे हैं बाइक को वैसे ही जाने देना है। यहाँ पे सभी गाड़ियों में स्नो चेन्स बंधे हुए हैं, एंड आई गेस आई एम द ओनली बाइकर दैट इज डूइंग दिस सोलो। रास्ता कैसा है सामने? ठीक है सर, जय हिंद। ये कॉर्नर्स में दिक्कत होने वाला है, अगर पैच सीधा रहेगा तब जैसे तैसे करके मैनेज कर सकते हैं बाय पुटिंग बोथ योर लेग्स डाउन, लेकिन अगर कॉर्नर्स रहेगा तो कॉर्नर्स में पूरा 12 बज जाता है। जूता भी पूरा भीग चुका है यार। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर सकते है सौरभ, यू कैन डू दिस। ओ, जिंदगी का सबसे भयंकर क्रेजी एक्सपीरियंस इन स्नो। बॉडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी आई वोंट गिव अप दैट इजीली। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, और जितना मेरे से हो पाएगा मैं करता जाऊँगा। नेवर अ क्विटर मैन, नेवर अ क्विटर। बचपन से यही चीज़ सीख के आया हूँ कि जितना हो सकता है जस्ट गिव योर बेस्ट सौरभ, एंड इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक क्विटिंग, देन स्टॉप फॉर अ मोमेंट, रियलाइज हु यू आर,
what you want to do in your life and then keep going once again. साथ में अगर कोई होता तो थोड़ा सा इजी हो जाता. हेलो जी, सामने का रास्ता कैसा है? सामने का रास्ता कहाँ जाएगा सर? आप माधुरी लेक. माधुरी लेक पता नहीं, वो आगे जाके पूछे, वो वाला माधुरी लेक है. हो वही माधुरी लेक है? मैं अकेला हूँ यहाँ पे. ऐसे बार में आपने लेके आया तो सोचना पड़ेगा आपको. चलते हैं. द कैमरा इज नॉट एट ऑल डूइंग जस्टिस टू द व्यू एंड टू द सिचुएशन वेयर आई एम राइट नाउ. हेलीकॉप्टर ये टर्न में कैसे लेने वाला हूँ अब मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है. ऊपर वाले बचा ले. अगर सिर्फ कोई पीछे से रिकॉर्ड करता तब अच्छे से समझ में आता कि ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. काश यार टेंट लेके आता, टेंट लाता तो यहाँ पे कैंपिंग करके सो जाता. ऐसे सिचुएशन में भी मेरे को मजाक सूझ रहा है यार. क्या हो गया रे तू सौरभ? और ऐसे पूरा क्लच नहीं छोड़ के चलाने में बाइक का ये नुकसान है कि आपका क्लच प्लेट भी है वो जल सकता है, तो बाइक का भी नुकसान हो रहा है यहाँ पे. अब जाके थोड़ा लग रहा है कि ठीक लग रहा है. भाई लोग आगे का रास्ता ठीक कर दो ना. सामने का रास्ता बहुत ही ज्यादा स्नो है. और आप लोग का सेक्टर अलग है. और आगे का रास्ता कैसा है? ठीक है. बाप रे बाप. सौरभ मान गए यार तेरे को. सौरभ यहाँ तक पहुंच गया माधुरी लेक और पहुंचने में बता रहे कि और आधा घंटा लगेगा. पहले था बर्फ, अभी है कीचड़. माधुरी लेक चलोगे? चलिए फिर. काम करते हैं, वहां से चला देते हैं बाइक को क्योंकि चलते हैं. पहले बर्फ का डर था, अभी कीचड़ का डर है. लेकिन एक चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों ही जगह पे बाइक बहुत ही ज्यादा स्लिप करता है. बॉडी पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका है. पानी पीने का सख्त जरूरत है. देखते सामने कैंप मिलेगा तो सर लोग से थोड़ा पानी मांग लेंगे. आगे कीचड़ है इससे भी ज्यादा. बाप रे बहुत थक गया. अगरतला त्रिपुरा. हाँ हाँ एकदम आस्ते जाएंगे. आज अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया ना ये मिशन, दिस इज नॉट लेस देन अ मिशन. अगर ये मैंने कंप्लीट कर लिया आज तो समझ जाओ कि आपका भाई पहले से तो हार्ड है ही
लेकिन अभी हार्ट टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। ये जगह मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ यार, दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल मैन। शिट, पूरा ऐसे करके ऐसे पूरे नीचे तक जाता है। काम करते हुए वहां से निकालते हैं बाइक को। वहां पे चल जा रॉकी, चल जा किसी तरह, चल जा वहां पे, चल जा। बस अपने को लॉन्ग टर्न लेना है, छोटा टर्न लेंगे तो गिरने का चांसेस ज्यादा रहेगा। दिस इज द सीक्रेट लेक ऑफ मंजूश्री, एम्बोडियंट ऑफ विजडम। दिस इज द लेक। नमस्ते सर, यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पीते सर लोग के साथ बातचीत करते एंड देन वापस से रवाना हो जाएंगे माधुरी लेक की ओर।